हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। माई सेल्फ चित्रंजन कुमार। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस योर फेवरेट टॉपिक, लाइंस एंड एंगल्स। दिस इज द सिक्स्थ पार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन, द रिमेनिंग पोर्शन। इट मीन्स जो हम लोगों ने पीछे एक्सरसाइज क्वेश्चन किया था, उसका जो नेक्स्ट रिमेनिंग पोर्शन है उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन फिगर थ्री कोप्लेनर लाइंस, यहां पे थ्री कोप्लेनर लाइंस हैं, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ फॉर्मिंग एंगल्स एज शोन इन द फिगर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड एंड यू, यहां पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट, ये जो है ये कोप्लेनर है, ये कोप्लेनर है, ये सीधा है। ओके, ये स्ट्रेट लाइन है, डोंट वरी, इसे समझना है। तो कोप्लेनर है स्टूडेंट। अब यहां पे इसका जो वैल्यू है ये 50 है, 90 है। ओके, तो इसे कैसे हम दो तीन तरीके से प्रूव कर सकते हैं, इसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें वाई की वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू, सॉरी, सबसे पहले एक्स की वैल्यू चाहिए। तो एक्स की वैल्यू, एक्स कहां पे है, ये है, एक्स यू के इक्वल है, यू हमें पता नहीं है, तो वाई का सबसे पहले फाइंड करते हैं। वाई डिग्री इक्वल टू, वाई की वैल्यू कितनी है, 50, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, सिमिलरली आपका जेड क्या है, 90 डिग्री है, ये भी वर्टिकली अपोजिट है, अब यहां पे थ्री कोप्लेनर है, तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट, इसे आप थोड़ा सा यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये स्ट्रेट लाइन ही है। ओके, इसे आप स्ट्रेट लाइन ही समझिएगा, ये इस तरीके का है, ये स्ट्रेट लाइन है। ओके, इसे मत आप ध्यान दीजिएगा, क्लियर है? तो ये स्ट्रेट लाइन में आपको ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये 50 डिग्री है, तो ये भी 50 डिग्री होगा। अब हमें ये दो फाइंड हो गए, तो अब ये U हमारा फाइंड हो सकता है, और U जैसे ही होगा वो X भी निकल जाएगा। अब स्टूडेंट, यहां पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल, इसे A लिख लेते हैं, A है ये। ओके, एंगल AOF प्लस एंगल बी ओ एफ इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ओके, तो ए ओ एफ यू डिग्री है, और बी ओ एफ कितना है, 50 प्लस 90 डिग्री। ओके, तो 50 प्लस 90 डिग्री आपका हो गया, तो कितना हुआ, U की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 140, इट मीन्स U की वैल्यू 40 डिग्री। अब स्टूडेंट, U की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, Z की वैल्यू, अब एक बचा X, तो X डिग्री इक्वल टू U डिग्री बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहां पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 40 डिग्री, दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, दिस इज वेरी इजी। नाउ द नेक्स्ट वन, इन फिगर
58 लाइन N इज ए ट्रांसवर्सल टू लाइन L एंड M. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग. अब स्टूडेंट यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, ओके एक फिगर है जिसमें आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अल्टरनेट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बताने हैं इसमें, ओके. तो आपको हम बता चुके हैं इससे पहले सबसे पहले अल्टरनेट एंगल लिखते हैं. अल्टरनेट एंगल्स में कौन कौन से होंगे, तो अल्टरनेट एंगल आपको एक ये है, एक ये है, क्लियर है. तो इसका नाम दे देंगे एंगल ए जी एच एंड जी एच डी, ओके वन पेयर हो गया. सेकेंड पेयर आपका होगा ये और ये होगा, तो इसका नाम क्या है बी जी एच एंड सी एच जी, सी एच जी, ओके. तो स्टूडेंट ये हमारे क्या हैं, दो पेयर हैं. तो अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हुए. तो एक्चुअली में अल्टरनेट एंगल इंटीरियर को ही बोला जाता है, क्लियर है. अब एक्सटीरियर में आप देखिएगा तो एक्सटीरियर आपका क्या होगा, एक ये है, क्लियर है. जैसे देखो एक्सटीरियर आपका ये है, तो इसका अल्टरनेट एंगल आपका क्या होगा, ये इस साइड है तो इस साइड का अल्टरनेट एंगल इस साइड होगा, इस साइड का अल्टरनेट एंगल आपको इस साइड होगा, क्लियर है. तो अल्टरनेट एंगल इसी तरीके से होता है, तो उसे भी ये इंटीरियर में लिख दे रहा हूं. और एक्सटीरियर को भी लिख दे रहा हूं ईजीबी, ईजीबी और सीएचएफ. और सेकंड है ईजीए एंड एफएचडी, ये एक्सटीरियर है. ओके तो ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं. अब कॉरेस्पॉन्डिंग की बारी आई, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स स्टूडेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में आपको एक ये एंगल है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, ओके. तो इसमें भी बहुत सारे हो जाएंगे. अब जैसे ई जी ए, ओके ई जी ए है, इसके साथ में कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो सी एच जी, ओके वन पेयर हो गया. सेकंड पेयर आपका क्या है, सिमिलरली ये और ये हो जाएगा, तो ई जी बी एंड जी एच डी, ओके. उसी तरीके से अब आपको और पेयर क्या होगा, अब इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, तो इसे भी लिख दे रहा हूं मैं ए जी एच. ए जी एच का क्या होगा, सी एच एफ, ओके एंड बी जी एच
इसका क्या होगा DHF। ओके स्टूडेंट, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये अल्टरनेट हैं। तो अल्टरनेट में इंटीरियर और एक्सटीरियर आपको हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग में इंटीरियर नहीं होता है, तो ये आपको 4 पेयर हो गए। क्लियर है? अब नेक्स्ट हमारा क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे भी 2 फिगर दिए हुए हैं, इसमें से आपको फाइंड करना है पहले एंगल्स अल्टरनेट टू डी एंड जी एंड एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू एफ एंड एच। तो सबसे पहले अल्टरनेट अल्टरनेट एंगल डी इक्वल टू, डी का अल्टरनेट एंगल कौन सा है? तो स्टूडेंट यहां पे डी का अल्टरनेट एंगल आपको ई है। क्यों है? क्लियर है? डी का अल्टरनेट एंगल यहां पे डी है, ये ई है। क्लियर है? अब सेकंड है आपका जी का, अल्टरनेट जी एंगल जी, तो जी का अल्टरनेट जी कहां पे है? ये है। इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा? तो ही मैंने बताया अल्टरनेट एंगल क्या होगा, ये एक्सटेरियर है तो इसका भी एक्सटेरियर अल्टरनेट होगा, तो एंगल बी हो जाएगा। क्लियर है? अब स्टूडेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू एफ एंड, तो कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे लिख देता है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल एफ इक्वल टू, एफ का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? तो एफ का कॉरेस्पॉन्डिंग सी है, इसके एंगल सी। ओके, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एच, कॉरेस्पॉन्डिंग टू एच इक्वल टू, एच का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? तो एंगल बी है। तो इस तरीके से इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये हुआ, सॉरी ये हुआ कॉरेस्पॉन्डिंग, बी नहीं हुआ, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ए हुआ। क्यों हुआ यहां पे समझ लो, ये अपर पार्ट है इस लाइन के, ये भी अपर पार्ट है, कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, सेम साइड है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये हो गया, सेम साइड है। अब ये क्या है, ये बाहरी एक्सटेरियर है और ये बाहर है और दूसरे तरफ है, दोनों अल्टरनेट है, तो इस हिसाब से इसे आप लोग समझो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्लियर है? एंगल अल्टरनेट टू पी क्यू आर, अब पी क्यू आर, पी क्यू आर कहां है? पी क्यू आर, पी क्यू आर के अल्टरनेट आपको बताना है यहां पे। क्लियर है? तो अब पी क्यू आर का अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा? इसका अल्टरनेट एंगल, इसका अल्टरनेट एंगल स्टूडेंट एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। क्लियर है? तो पी क्यू आर का, इसका पी क्यू आर का अल्टरनेट एंगल कोरेस्पॉन्डिंग टू आर क्यू एफ। ओके, इसका अल्टरनेट पी क्यू आर और दूसरा क्या है आर क्यू एफ, आर क्यू एफ इस एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा। क्लियर है? तो इसे लिखता हूं मैं, पी क्यू आर का अल्टरनेट क्यू आर एम एंड एंगल क्यू आर ए कर दो, एम नहीं, क्यू आर ए, और सेकंड है क्यू आर क्यू पी, एक ही यहां पे मेंशन है तो एक ही को करो,
ओके कॉरेस्पॉन्डिंग टू आर क्यू एफ, आर क्यू एफ का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है आर क्यू एफ, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग आर पी क्यू हो जाएगा। ओके आर आर पी क्यू इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा, क्लियर है। एंड एंगल अल्टरनेट टू पी क्यू ई, पी क्यू ई इसका अल्टरनेट एंगल तो यही होगा क्यू पी आर, ओके स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट वन, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इन फिगर टू। अब यहां पे फिगर जो दिया हुआ है इसमें आपको पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल आपको बताने हैं, इंटीरियर एंगल्स। तो अभी मैंने क्वेश्चन वन में आपको इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स, तो इंटीरियर एंगल आपको ई है, एफ है, डी है, ए है, तो यहां पे लिख देना है सेम साइड। सेम साइड का मतलब ए और ई हो गया, एंगल ए एंगल ई, उसके बाद डी एंगल एफ, ओके। अब आपको एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल में आपको एच और बी, स्टूडेंट एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल आपको समझ में आ रहा होगा। इंटीरियर यानी जो ट्रांसवर्सल के एक साइड में हो और दोनों के अंदर में हो, तो ये आपको क्या है ये सब इंटीरियर एंगल्स हैं, क्लियर है। और एक्सटीरियर एंगल में ये और ये हो जाएंगे, क्लियर है। तो इस तरीके से इसे हमें चूज करके लिख देना है। तो एंगल बी स्मॉल में है, एंगल बी एंड एंगल सी, एंड सेकेंड पेयर क्या है एंगल एच एंड एंगल जी, ओके दैट्स इट। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है, इफ फिगर ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट बाय ए ट्रांसवर्सल पी क्यू एट एल एंड एम रेस्पेक्टिवली, इफ सी एम क्यू इक्वल टू 60 डिग्री, फाइंड ऑल अदर एंगल्स इन द फिगर। एक एंगल्स की वैल्यू दी हुई है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अदर की वैल्यू फाइंड करना है। सी एम क्यू कहाँ पे है, ये है, ये आपको यहाँ पे इस एंगल का वैल्यू गिवन है, ओके बाकी आपको फाइंड करनी है, क्लियर है। तो इसका जब आपको वैल्यू पता है तो बाकी का आप निकाल सकते हो। आप जानते हो कि इसका कई सारा हमारे पास अल्टरनेट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। तो अब बाकी सभी एंगल को कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक दिया हुआ है और कितने एंगल हैं, एक दो तीन चार पाँच, यानी सेवन एंगल बाकी हैं। तो सबसे पहले एंगल एल एम डी इक्वल टू एंगल इक्वल टू 60 डिग्री बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्लियर है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। अब चलते हैं एंगल क्यू एम डी, क्यू एम डी इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120। ये कैसे होगा स्टूडेंट, तो यहां पे क्या होगा एंगल, इसे वन बाई वन आप थोड़ा रिलेट करो अच्छा रहेगा। एंगल क्यू एम डी प्लस एंगल एम सी क्यू सी एम क्यू सी एम क्यू
सी एम क्यू इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर. ओके, तो अब क्यू एम डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो ये तो 60 है, ये 60 डिग्री इक्वल टू 180, तो एंगल क्यू एम डी क्या हो जाएगा, 180 माइनस 60 डिग्री. इट मीन्स एंगल क्यू एम डी वन 120 डिग्री. ओके, तो दो हमने फाइंड कर लिया. तीसरा, आपको अब एंगल सी एम एल इक्वल टू एंगल डी एम क्यू, ओके, या क्यू एम डी जो भी बोलो. तो एंगल सी एम एल इक्वल टू 120 डिग्री किससे हो जाएगा, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. क्लियर है? तो ये तीन हमें पता चल गए. अब बारी आई इसकी, तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे. तो इसे फाइंड करने के लिए स्टूडेंट, सबसे पहले एंगल ए एल एम इक्वल टू एंगल सी एम क्यू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंगल्स, ये रीजन देते चलोगे तो ए एल एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री. ओके, अब जैसे ही ये पता चला ये निकल जाएगा. अब एंगल पी एल बी इक्वल टू एंगल एम एल ए बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल. ओके, तो पी एल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री. ओके, तो स्टूडेंट ये हमें पता चल गया, ये पता चल गया, और दो रह गया. तो ये हमें पता चल गया है ऑलरेडी. क्लियर है? इसकी वैल्यू पता चल गई है. तो अब यहां पे लिख सकते हैं एंगल क्यू एम डी इक्वल टू एंगल एम एल बी, ये और ये, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो एंगल क्यू एम डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम एल बी कहां पे है, एम एल बी एम एल बी हमें फाइंड करना है. क्यू एम डी की वैल्यू क्या है, 120 है. तो इसे ऐसे लिख सकते हैं एम एल बी हमें फाइंड करना है. अब एक और बच गया ये, तो इससे वर्टिकली अपोजिट कर लो. एंगल पी एल ए इक्वल टू एंगल बी एल एम एल बी बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके, तो एंगल पी एल ए भी क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा. अब स्टूडेंट आप जैसे देख सकते हो हमारा कौन कौन सा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये 7 एंगल्स हैं जो अलग अलग हैं. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 120, इसकी वैल्यू 60 हो जाएगी, ये भी 120 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, ये 120, ये 60, ये 120 और ये 60. क्लियर है? तो ये आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन इसे कैसे करना लिखना है ये आपको पता होना चाहिए. क्लियर है? तो आप सभी ये समझ गए होगे कैसे करना है. नाउ द नेक्स्ट वन. अब स्टूडेंट द लाइन एन इज ट्रांसवर्सल टू लाइन वन एंड एल एंड एम इन फिगर, आइडेंटी फाइ द एंगल अल्टरनेट टू एंगल 13, एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू 15 एंड एंगल अल्टरनेट टू 15. अब यहाँ पे आइडेंटिफाई ही करना है. तो आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले
यहाँ पे जो हमारा फिगर दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। आइडेंटिफाई द एंगल अल्टरनेट टू 13, 13 का एंगल अल्टरनेट कौन है, इसका हमें अल्टरनेट एंगल यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है इसका। तो सबसे पहले तो ये यहाँ पे पैरेलल दिया हुआ है, एन इज ट्रांसवर्सल, एन क्या है ट्रांसवर्सल है, कहाँ पे एन है, ये ट्रांसवर्सल है इसके लिए टू लाइन एल एंड एम, एल और एम के लिए ये ट्रांसवर्सल है, इट मीन्स इसके और इसके लिए ये ट्रांसवर्सल है, क्लियर है। इसके लिए कौन सा ट्रांसवर्सल है, ये वाला ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल के हिसाब से हमें क्या करना है, अब जब ये ट्रांसवर्सल है आपका तो इसका अल्टरनेट ये हो जाएगा, क्लियर है, ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड में। तो यहां क्लियर लिखते हैं, एंगल अल्टरनेट टू 13 इक्वल टू एंगल 7, ओके। सेकंड है एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू, एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल 15, अब 15 का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, तो 15 ये है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग यह है, यही है 7 ईयर, एंगल 7, ओके। एंड एंगल अल्टरनेट टू 15 एंड एंगल अल्टरनेट टू 15, 15 का अल्टरनेट कौन है, तो स्टूडेंट ये हमारा क्या है, ये एक्सटीरियर अल्टरनेट है, तो इसका एक्सटीरियर अल्टरनेट क्या होगा, एंगल 5, ओके। तो इस तरीके से इसे चूज करना है, ओके। तो आप समझ सकते हो ये कैसे हुआ है, इसका हमारा कौन सा हुआ, ये हुआ, इसका कौन सा हुआ, ये हुआ, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग भी, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला हो गया, क्लियर है। अब स्टूडेंट इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ओके। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, इन फिगर 62 लाइन एल पैरेलल एम एंड एन इज ट्रांसवर्सल इफ एंगल 1 इक्वल टू 40 डिग्री फाइंड ऑल द एंगल्स एंड चेक दैट ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। सबसे पहले यहां पे एक एंगल का वैल्यू दिया हुआ है और इसके बाद हमें क्या करना है, बाकी सब का वैल्यू फाइंड करना है और उसको कॉरेस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट से चेक भी करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट एंगल 2 की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस 40 डिग्री, 140 डिग्री हो गया, क्लियर है। एंगल 3 की वैल्यू क्या होगी, तो एक इस चीज से हुआ, लीनियर पेयर से हुआ, ओके। एंगल 3 की वैल्यू क्या है, तो एंगल 3 की वैल्यू 40 डिग्री बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ओके। अब यहां पे फोर्थ है, एंगल 4 की वैल्यू क्या है, 180 माइनस 40, इट मींस 140 डिग्री, दिस इज ऑल्सो बाय लीनियर पेयर, ओके। अब स्टूडेंट एंगल 5 इक्वल टू 40 डिग्री बाय 40 डिग्री से पहले हमें यहां पे एंगल 5 की वैल्यू एंगल 40 डिग्री ही लिखो बाय कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग
एंगल्स, ओके। अब जब एट की फाइव की वैल्यू हमें पता चल गई तो सेवन भी हो जाएगा, एंगल सेवन इक्वल टू 40 डिग्री, सिंस एंगल फाइव इक्वल टू एंगल सेवन बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। एंगल एट इक्वल टू 120 बाय लीनियर पेयर, एंगल सिक्स इक्वल टू 120 एंगल सिक्स इक्वल टू एंगल एट बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपको मैं अभी बताया, जस्ट वही काम करना है, यहाँ पे आपको चेक भी कर लेना है, तो आप लोग चेक कर सकते हो आसानी से, और बाकी जो रिमेनिंग हमारे क्वेश्चंस हैं उसे आपको होमवर्क में कर लेना है, ओके ओके स्टूडेंट्स। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।